नमस्कार दोस्तों, हम अजय मैकेनिक कानपुर से। हम मैकेनिक हैं वैसे टू व्हीलर के, लेकिन फिर भी हम फोर व्हीलर का भी अनुभव आपको बताना चाहते हैं दोस्तों। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कार रखा अपने पास फोर व्हीलर, और फोर व्हीलर में क्या होता है कि बहुत बार हम परेशान हुए, क्योंकि हम तो मैकेनिक आदमी हैं, किसी प्रकार से भी यानी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको समझ करके और उसको हम किसी न किसी तरीके से यानी जब भी प्रॉब्लम हुई उसको हम सॉल्व कर लिया, क्योंकि हम मैकेनिक आदमी। लेकिन हम आपको जानते हैं कि भाई आप सभी लोग टेक्निकल नहीं होते, ना इतना अनुभव होता तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आपको कार चलाना होता है या लंबी दूरी तय करना होता है, तो उसके पहले कार में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होता है उसको हम अपने आप से चेक करें। जब भी यानी हमको 200, 400, 500 किलोमीटर जाना है, नई है पुरानी है, तो उसमें जो भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कि हम लंबी दूरी जाएं तो हमें किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसको हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों हम बताएँगे कि जब भी हमको जाना होता है दूर, तो हम सबसे पहले हवा चेक करते हैं, हवा गाड़ी का हवा चेक करवा लेते हैं, स्टेपनी से लेकर चारों टायरों में हवा, वो जितना भी कंपनी बोलती है 28 पॉइंट बोलती है, तो 28 पॉइंट हवा ज़रूर चेक करते हैं, यानी चारों पहिए में और स्टेपनी में। इस तरीके से दोस्तों हम इसको भी चेक करते हैं, जैसे ये है इसका जो पानी का सिस्टम होता है कूलेंट का, ये कूलेंट चेक करते हैं इसमें कूलेंट है कि नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों ये होता है, ये होता है ये वाइपर के लिए पानी होता है, इसमें भी पानी हम चेक करते हैं। फिर दोस्तों देखते हैं कि हमारा बैटरी का सिस्टम ये ढीला ना हो, नहीं तो रास्ते में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो, ये पॉइंट ये भी ज़रूर ध्यान देखते हैं, या इसमें जो भी कार्बन होता है या जो भी जमा होता है प्लस की तरफ ज़्यादातर जमा हो जाता है, उसको भी दोस्तों हम गर्म पानी डाल करके उसको छुड़ा लेते हैं, और थोड़ा सा ग्रीस व्रीस डाल देते हैं, भर देते हैं दोस्तों, तो उसको भी हम ध्यान में रखते हैं कि इसको हम साफ़ कर लेते हैं। फिर दोस्तों क्या करना होता है कि जैसे ये होता है, इसमें क्या होता है कि अक्सर कूलेंट नहीं होता है, तो इसके लिए भी हम कई बार परेशान हो गए, इसलिए हम बताते हैं कि जब भी ठंडी गाड़ी हो तो अक्सर इसको खोल करके देख लेना चाहिए, और गर्म गाड़ी में कभी भी कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा हमारे दोस्त थे और हम बहुत छोटे थे तब उन्होंने ऐसा किया था, तो वो उनका पूरा जो चेहरा होता है वो उस पर मॉइस्चर यानी भाप जैसा जम गया था, इसके कारण वो बहुत परेशान हो गए थे, यानी उनका इलाज चला था तो काफ़ी दिन बाद उनको आराम मिला था। तो इसलिए दोस्तों इसको बहुत ध्यान रखना है कि ये इसको दोस्तों विशेष करके ध्यान में रखना है कि जब भी ठंडी गाड़ी हो तभी इसको खोलें, और गर्म गाड़ी में खोलेंगे तो ऊपर से यानी भाप जैसा यानी क्योंकि हीट होता है और चेहरे में आ जाता है, और इसको आप विशेष करके ध्यान में रखना है कि जब भी गर्म गाड़ी हो तो बिल्कुल ना खोलें, क्योंकि दोस्तों इसके द्वारा कभी कभी कई कई हादसे हो चुके हैं, इसलिए आपको विशेष करके ध्यान देना है कि गर्म गाड़ी में बिल्कुल नहीं ध्यान देना, यानी बिल्कुल खोलना नहीं है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जैसे आयल वाला है लिखा लगा हुआ है, अब आयल के लिए हमको चेक करना होता है, ये जैसे निकाला तो इसमें एक लो एक हाई, तो यहाँ तक इसका ये पॉइंट यानी ये होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक यानी आयल होना चाहिए। अगर कम है तो उसको भी आप टॉप अप करवा लिया, या कहीं पर अगर टाइम नहीं तो पेट्रोल पंप से लिया, और यहाँ से क्या किया, ये इंजन आयल का ये होता है, आयल को खोला ये, और खोल करके यहाँ से डाल दिया और यहाँ पर टॉप अप हो गया, तो इसलिए ये लो ग्रेट है, लो है, ये हाई है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो इतना है तो फिर भी चल जाता है, लेकिन फिर भी टॉप अप यहाँ तक होता है, इसलिए इसको भी विशेष करके ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि हम कई बार इसके कारण हम बहुत परेशान हुए। तो दोस्तों हमारे पास अनुभव है कि हम परेशान हों, लेकिन हमारे जो भी यार दोस्त मित्र हैं या जो भी हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं वो भी कभी कभी कार चलाते हैं, तो वो रास्ते में परेशान ना हो, तो इसलिए विशेष करके इस बात को भी ध्यान देना है कि आयल चेक कर लें, कूलेंट चेक कर लें, यहाँ पर कूलेंट चेक कर लें, यहाँ पर पानी चेक कर लें, यहाँ पर बैटरी का सिस्टम होता है ये चेक कर लें, और यहाँ पर जैसे कार्बन जम जाता है वो चेक कर लें दोस्तों। ये ब्रेक आयल का सिस्टम है, और ब्रेक आयल को देखिए, इसमें यहाँ पर मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम, मैक्सिमम ये मिनिमम ये मैक्सिमम, इस तरीके से ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ब्रेक आयल को भी चेक कर लें, अगर यहाँ तक है तो ठीक है, अगर यहाँ तक है कम है तो इसको टॉप अप करके मैक्सिमम तक कर दें, इसमें थोड़ा सा कम है, और इसको खोलें, और खोल करके इसको ऐसे खोल लें, और खोल करके यहाँ से टॉप अप कर दें, तब फिर आराम से बाहर जाएं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। और फिर क्या होता है दोस्तों कि इसके चारों टायर की हवा चेक कर लें,
अगर इस तरीके से करते हैं दोस्तों। और उसके साथ साथ क्या है दोस्तों, हमको अगर बाहर जाना है तो हमारे पास यानी स्टेपनी चेंज करने का सिस्टम भी पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बाहर अक्सर कभी कभी पंचर हो जाता है, तो वो भी किस तरीके से यानी स्टेपनी चेंज किया जाता है वो भी आपके पास अनुभव होना चाहिए। नहीं होता है तो वो भी आप समझें और सीखें। आगे वीडियो जब भी बनाएंगे दोस्तों तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। बाकी दोस्तों हम इस कारों में अक्सर परेशान हुए, इसीलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि आप सभी लोग ना परेशान हो। अगर हमारा वीडियो देखे रहेंगे तो उस बात को पहले चेक करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों कभी कभी हमने जब कार चलाई तो कार चलाने में क्या हुआ कि यहाँ पर जो पानी था नहीं, कूलेंट था नहीं, इसके कारण हमारी जो कार चल रही थी वो हम थोड़ी दूर चलाएं तो थोड़ी दूर बाद हीट करें और परेशान करें और बंद हो जाए। हम फिर रास्ते में पतला पीछे हॉर्न का शोर कि पतला वो हम पैदल लगा के किनारे धक्का लगाया था, फिर हम गाड़ी को किनारे पार्क किया, तो इस तरीके हम बहुत परेशान हुए। इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं, इसलिए वीडियो बना रहे हैं आपका, कि हम परेशान हो ठीक है, लेकिन आप हमारे जो भी यार दोस्त मित्र होते हैं या सब्सक्राइबर भाई लोग होते हैं तो वो सभी लोग ना परेशान, क्योंकि मोटरसाइकिल है तो आपके पास कार भी अक्सर हो जाती है या आप दूर सफ़र करते हैं तो ऐसा होता है। तो उसको दोस्तों ठंडी गाड़ी हो तो इसको ज़रूर चेक कर लें, कूलेंट पानी और उसमें पानी और इंजन ऑयल ये सब चेक करते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमारे पास जो भी ऑप्शन था बताए दोस्तों। नमस्कार।